1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन जहाज को कुछ ही मिनट गुजरे थे कि सबसे पीछे सीट में बैठे पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी थमा दी। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस सॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक टू यू सिट बाय मी, मेरे पास में बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बगल में बैठ जाएं। जब वो एयर होस्टेस डैन कूपर के बगल में बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की 3 डिमांड्स थी। उसे 5 बजे से पहले $2,00,000 चाहिए थे, दो पैराशूट और एक रिफ्यूलिंग ट्रक भी। अपनी डिमांड्स पूरी करने के बाद डैन कूपर उसी वक्त जहाज से छलांग लगा दी। इसके बाद वह शख्स कौन था, कहां से आया था, ये आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका।